हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे जो गुजराती थेपले कैसे बनते हैं लाल मिर्च वाले। तो आज मैं उसकी रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए हम ये जो बाटी है उस नाप से, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाटी आटा लिया है और इसे हम छान लेते हैं। आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये दूसरी बाटी ले रही हूँ। मुझे 3 बाटी आटे से थेपले बनाने हैं, तो मैं उस हिसाब से ले रही हूँ। ये अब मैंने तीसरी बाटी ले ली है, अभी इसे भी छान लेती हूँ। ये हो गया छान के। अब मैं इसी में थोड़ा सा तेल डालूंगी, 1, 2, 3 और 4 चम्मच तेल डाल दिया। आधा चम्मच हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च लूंगी 3 चम्मच अराउंड, 1, 2 और ये 3। आपको जितना तीखा चाहिए आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक डालूंगी 1 चम्मच के ऊपर, 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच जितना नमक डालूंगी। उसमें हम जाएगा कुटा हुआ लहसुन और 2 चम्मच कसूरी मेथी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा धनिया, 1 चम्मच सफेद तिल, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, इसको थोड़ा घिस के डालेंगे ताकि उसका फ्रेग्रेंस आए, और थोड़ा सा हींग। अब जो कटोरी से मैंने आटा लिया है उसी कटोरी से हम पानी लेके आटा गूंद लेंगे। जो आटा का क्वालिटी रहता है उससे उस वजह से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स को, मसालों को मिक्स कर देती हूँ आटे के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते हमें आटा पूरी तरह से गूंद लेना है। 1 वाटी पानी ऑलरेडी चला गया है इसके अंदर। मैंने अभी एक और वाटी पानी दिया है और आटा गूंद रही हूँ। आप नए हैं तो थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंदिए ताकि आपका आटा एकदम से ढीला ना हो जाए या फिर कड़क ना हो। आप कंसिस्टेंसी देख के डालिए पानी। तो ऑलमोस्ट 2 वाटी पानी हमारा इसमें ऑलरेडी हमने डाला है। इसे अच्छे से गूंद लेंगे हम। तो हमारा 2 वाटी पानी में ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, मुझे अगर 3 वाटी आटा है तो मुझे 2 वाटी पानी लगा इसमें, तो आप उस हिसाब से आटा गूंद सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा आटा ऑलमोस्ट गूंद के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि बेलते समय आटा हमारे पाट में या बेलन में चिपके नहीं, तो इसे गूंद के और सॉफ्ट बनाएंगे।
आप इसे जितना अच्छा गूंदोगे उतना ही अच्छा और सॉफ्ट थेपला बनेगा आपका। तो गूंदना, आटा बंधने के बाद गूंदना बहुत ही ज़रूरी है, उसे इस तरह मसलना बहुत ज़रूरी है। आटे को जितना ज़्यादा अच्छा मसलोगे उतने अच्छे थेपले बनेंगे। आटा गूंद के रेडी है, अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम आटे को देख लेते हैं एक बार और गूंद लेते हैं इसको। तो हमारा थेपले का आटा रेडी हो चुका है, अब मैं आपको दिखाऊंगी थेपले कैसे बनाते हैं इसे। तो इसके लिए आपको ये छोटे छोटे लुए बना लेने हैं टेढ़े, ऐसे ऐसे मैं 2-3 बना के आपको दिखाती हूँ। और ऐसे इसको गोल पेड़ा बना लेना है। अब मैं आपको इसको कैसे बेलते हैं और पकाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन करेंगे, ऊपर हम ये तवा रख देंगे और अभी अभी जो हमने ये जो पेड़े बनाए हैं उसको मैं ऐसे हाथ में एक बार फिर से लूंगी और आटे में उसको थोड़ा मिक्स ऐसे ऊपर आटा लगा दूंगी। ये मैं आपको बेल के दिखाती हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा थेपला बेल के रेडी हो चुका है, अब हम इसे तवे पे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे तवे में डाल रही हूँ। यह हमारा पकता है, तब तक मैं दूसरा एक बेल के रेडी रखती हूँ, दूसरा थेपला एक बेल के रेडी रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन बीच में आ जाएगा तो ऐसा फटता है थेपला। थेपले को हम पलट लेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा तेल डालेंगे। अब इसे पलट देते हैं थेपले को, दूसरी बाजू भी तेल लगाना है इसी तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमारा थेपला बनके रेडी है। ये देखिए थेपला एक रेडी हो चुका है, अब मैं दूसरा आपको बेल के और सेक के दिखाती हूँ। देखिए हमारा दूसरा थेपला भी रेडी है, अब इसे तवे पे डाल के इसको भी आपको एक और बार सेक के दिखाती हूँ। बेलने की तैयारी करती हूँ, इसको पलट लेंगे हम थोड़ा सा सेकने के बाद। पलट लेना है, ज़्यादा सेकना नहीं है पहले,
और जब तक नीचे पकता है तब तक आप ऊपर थोड़ा सा ऐसा तेल लगा के स्प्रेड कर दीजिए। हो गया, और अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए पीछे भी अच्छे से पक गया है, यहाँ पे भी हम तेल लगाएंगे और तेल का कच्चापन निकालने के लिए आपको दोनों साइड एक बार सेक लेना है। इसमें आपको बहुत कम तेल लगेगा। ये देखिए दूसरा थेपला भी अपना रेडी है, इसे भी प्लेट में ले लेती हूँ। आपको ऐसे ही सब थेपले बना के रेडी करने हैं। जब रेडी हो जाते हैं मैं आपको मिलती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैंने थेपले इतने बना के रेडी कर दिए हैं, अभी इतने मुझे बनाने बाकी है। आप थेपले देख सकते हैं इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं, और एकदम ही सॉफ्ट बने हैं। और एक वाटी से करीब 10 से 11 थेपले आपके बनेंगे। ये अभी मैंने बनाए हैं, जो अभी 22 जितने बने हैं, और फिर भी अभी 1/3 पोर्शन मेरा बाकी है, जिसमें से आराम से 10-11 थेपले बन जाएंगे। यानी 3 वाटी से 33 थेपले बन जाएंगे आराम से, 1 वाटी से 11 थेपले बन जाते हैं। तो आपको मैं क्वांटिटी भी बता देती हूँ और वाटी के साइज़ भी आपको पता है। मैंने ये वाली वाटी ली थी, ये देखिए, तो 1 वाटी से आपको 11 थेपले आराम से बन जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।